नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं है सर, दिल्ली से आए हैं और कल जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। तो हम सुबह उठे थे 8 बजे, टाइम से हम उठ गए थे चारों, बट थोड़ा हमने स्लो काम किया तो हम रेडी थोड़ा लेट हुए क्योंकि लाइट भी चली गई थी बीच में यहाँ पर 1 घंटे के लिए, तो उस चक्कर में लेट हो गया था। अब हम क्या करेंगे, हम सामान पैक करेंगे सारा, बाइक पर लोड करेंगे और फिर निकल जाएंगे आगे कल्पा के लिए, जो कि आगे 154 किलोमीटर अराउंड दिखा रहा है और 3 घंटा दिखा रहा है, बट बीच में कई बार ब्लॉकेज हो जाती है तो वहाँ पर भी टाइम लग जाता है। बाकी आराम से जाएंगे शूट करते हुए, ट्राई करेंगे कि अंधेरे से पहले ही पहुँच जाए, बट थोड़ा अंधेरा आज हो सकता है तो वो सब देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और हमने सोचा कि खाना जो है वो हम अभी नहीं खा रहे हैं, खाना हम खाएंगे आगे जा करके, कहीं रास्ते में देखेंगे कि काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है, तो अब 11 बज चुका है इस टाइम पर, तो बस हम वही डिसाइड कर रहे हैं कि आगे जाके खाना खाते हैं। तो चलो मिलता हूँ आपसे रास्ते में आगे। दोनों बाइक की चेन लूप करने, जो कि बहुत ज़रूरी काम है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चल चुकी है, चेन लूप करना ज़रूरी है। अब तो गाइस अपना होटल ये था, होटल कैंटला, जिसका रूम हमें मिला था 650 रुपये का। तो रूम का वीडियो में दिखा नहीं पाया क्योंकि हम लेट हो गए थे ऑलरेडी, बट रूम ठीक था, बजट के हिसाब से ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ स्टे के लिए एक रात का अगर आपने सोना ही है तो उसके लिए ठीक है, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो और इतना कोई प्राइस ज़्यादा नहीं, 650 रुपये है, तो अच्छा था। तो हम जा रहे हैं कल्पा की तरफ फाइनली, और थोड़ा लेट हो गए क्योंकि शॉपिंग भी करी हमने और आज आराम से उठे थे क्योंकि कल तो यार बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पहला दिन था राइड का, सोए भी नहीं थे, तो बस इसलिए। बाकी हमने नाश्ता अभी तक किया नहीं है, आगे जाके करेंगे। हमारा पहला काम है ऐसे ढाबा ढूंढना क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो यहाँ पर मंगाई हमने 4 थाली, और थाली में क्या क्या है, सब्जी है, राजमा है, मटर पनीर की सब्जी है, चावल है और रोटी है, और कढ़ी भी आ रही है। तो ये थाली हमने 4 ली है क्योंकि खाना हल्का भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। नहीं मैं प्लेट नहीं खाऊंगा, रोटियां बन, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। राइस में से हाथ से खाए, जैसे मर्जी खाओ यार, जैसे मर्जी खाओ, आज आप कर लो अपने मन की ना। चलो फिर ये खाते हैं। तो जी खाना खाने के बाद निकल चुके हैं हम आगे कल्पा के लिए, और खाना यार बहुत टेस्टी था एक्चुअली। उसमें जो मैंने आपको दिखाया था सब्जियां वो सब थी, और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 100 रुपये, और ये नहीं कि जो प्लेट में सर्व था सिर्फ वही था, अनलिमिटेड था पे, तो उसका नाम था ठाकुर ढाबा, तो आप वहाँ पर खाना खा सकते हो, बहुत टेस्टी खाना था, मज़ा आके खा करके। सो गाइस रोड यहाँ की बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा खुली हुई रोड है, और मेरे लेफ्ट साइड में है सतलुज रिवर। हम रामपुर से आगे हैं थोड़ा, और अभी हम वेट कर रहे हैं एक बाइकर का, एक्चुअली हमें एक वर्सेस राइडर मिले हैं अभी यहाँ पर जो कि हमारे ग्रुप की हैं, तो बस वो यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं और उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे। तो अब अभी हो गए हैं रामपुर के 15-20 किलोमीटर आगे जा करके, क्योंकि हमारे पास पानी खत्म हो चुका था और प्यास बहुत लग रही थी, तो सोचा एक जगह रुक के कुछ पानी वानी ले लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद हम सीधे जाएंगे आगे गेट पर पेट्रोल पे रुकेंगे, वहाँ पर थोड़ा शूट करेंगे क्योंकि वो एक्चुअली देखने वाली जगह है, उसके बाद हम सीधा कल्पा चल जाएंगे। तो गाइस हम फाइनली एंटर कर चुके हैं किन्नौर में, और किन्नौर का ये गेट है वेलकम गेट। तो अभी रास्ते में गया है बहुत सुंदर सा वाटरफॉल, सामने ही है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, थोड़ा पास से जगह दिखाते हैं, ये देखो कितना सुंदर है ये।
और यहाँ पर लोग फोटो क्लिक कराने के लिए रुके हुए हैं वैसे भी, तो भी क्लिफ हैंगर से पहले चेक पोस्ट पड़ते हैं आर्मी चेक पोस्ट, यहाँ पर हमें सामान चेक कराना है अपना, तो बस करा दें। सर देख लीजिए एक बार, चेक करवाना ना। नहीं कपड़े हैं इसमें सर, है ना, कोई ऐसी तो नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं है सर, दिल्ली से आए हैं और कल्पा जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आ चुका है गेटवे ऑफ किन्नौर, है ना। आ जाओ बाइक लगा लो साइड में। I'm in need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out in Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision, it couldn't be clearer. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hearing us. We live in as good of your area. My mama proud, she tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like 100 pounds. Running big laps till the sun is down like 100 miles. Tinted frames on me leaning down, I'm winning now. Been a while, you ain't like me then, but how you like me now? Red one, if I hold you down, I'ma keep it there till we in the ground. Jet black when I paint the town, only blue sheets when they pay me now. Treat a setback like a step back, wave. I got the game in a vice grip, way up when the virus clear. All my niggas on the flight list, verbally gifted. Take the plot and I twist it, got a big lit. Sage with the incense, got my mind rinsed, won't stop, I'm relentless. I'ma need safety, tell the op can't snake me. राइट पे आ जाए, इधर आ जाए आगे। राजू राजू तारीफ कर रहे थे, देखो राजू को क्या हुआ। ये पिजन का हाल है, दूसरे जूते हैं ना यार मेरे भी, ले लेंगे वैसे है, लेकिन ले लेंगे टेंशन मत लो। तो ये हमारे पुलकित भाई हैं वर्सेस ग्रुप के, इनके पास भी अभी नई नई वर्सेस है। तो भाई जा रहे हैं सांगला और हम जा रहे हैं स्पीति, तो चलो भाई आ चुके हैं काल्पा में, और हम आ तो एक्चुअली 7:30 बजे गए थे। मैं अब शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहले तो यहाँ पर ना रूम भी मिल रहे थे। एक्चुअली मैं रुकता हूँ उसमें होटल सतलुज में, यहाँ पर तो ये था फुल, यहाँ पर कह रहे थे कि एक ही रूम है। फिर हमने सोचा कि एक रूम जो है वो सातोला होटल पे देख लेते हैं और फिर मैनेज कर लेंगे कैसे भी करके, बट लकीली यहाँ पर दोनों रूम खाली हो चुके थे और हमको मिल गए। तो बस हमने वो चेकिंग कर लिया यहाँ पर। रूम टूर में कल पक्का सुबह दूंगा आपको कि कैसा रूम है क्या है, और रूम अच्छा है क्योंकि मैं 2019 में भी रुका था यहाँ पर, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। बाकी थक चुके काफ़ी ज़्यादा और डिनर करने का प्लान है, तो अब जाएंगे डिनर करने के लिए। बस ये आपको बताना था, बाकी मिलता मैं आपको डिनर टेबल पर। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम डिनर करने, और ये देखो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह कितनी मस्त कर रखी है लोगों ने, दिन में ये दिखेगा नहीं तो इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये है डाइनिंग रूम, तो अपने पास है कड़े पनीर, मटन, चपाती और भी कुछ है, राइस, राइस है, दाल है, राइस है, दाल है, और भगवान की दया जो और पानी है, प्यास है, पानी है, भूख तो है और भूख भी है, राइस भूख भी है, सही बहुत इस भूख है। उसमें क्या है, कौन सी बटर रोटी है? वो बटर रोटी है, ये बटर रोटी है,